सो गाइस, आज आप लोगों के बीच में एक बैटरी अनबॉक्सिंग होने वाली है। जी हाँ, तो इस बैटरी में समस्या देखिए, ये लिथियम बैटरी है सेल वाली। तो इसके अंदर जो समस्या है मेजर, वो दिक्कत ये आ रही है कि इसका जो पॉइंट है वो बहुत ढीला हो चुका है। ये देखिए, ये अपन अब इसको उठाते हैं, जब इसमें हम प्लग करेंगे पावर केबल, तो ये इस तरह से ढीला हो चुका है। तो अब हम इसे चेंज करने वाले हैं, ठीक है। इसको अब हम इस सारे इसको खोल लेते हैं, इसका बॉक्स, इसका ढक्कन खोल लेते हैं, इसका सिर, और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो पॉज कर लेते हैं, तब तक हम इसके स्क्रू खोल लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सारे स्क्रू खुल चुके हैं, बट साला एक स्क्रू ने परेशान कर रखा है, खुलने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी मुश्किल से धीरे 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 खुल जाए तो खुल जाए। अब इसको ये बिल्कुल फॉल्ट हो चुका है, कोशिश लगातार कोशिश चल रही है, इतना खुला है बस, बाकी अभी पावर डाउन, जाम हो गया है, जाम हो चुका है। ये इस तरह से खुलेगा, देखते हैं ऑयल पानी करके इसको खोलने की कोशिश करते हैं, कभी खुल जाए तो खुल जाए। हल्का सा, ज़्यादा वन ऑयल ऑयल नहीं है, यूँ ऊपर रख पूरी हंडी ने, हाँ यूँ बस 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 बस। अब और ज़्यादा स्लिप होगा, थोड़ा सा वहीं हिला, फिर हिला, वहीं हिला, फिर ले जाए तो खुल जाएगा यार। आटा स्लिप या स्क्रू पेड़ को पूरा आटा गलत चढ़ गया, नहीं देख आटा गलत चढ़ गया था दादा, इसी वजह से इसको दिक्कत आई है, घनी घनी दिक्कत आई दादा, घनी दिक्कत। तो चलो अब इसका जो समाधान करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये इसका हैंडल है, इसको ऐसे पकड़ना है, वो हल्के से बिल्कुल ऐसे निकालना है अपने को, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमें जो मेन वो काम जो हमारा है, ये हमारा ढीला हो चुका है, ये अंदर से स्क्रू इसके ढीले हो चुके हैं, तो हम इन्हें टाइट करेंगे। लेकिन इसको साफ कर पहला, थोड़ा को साफ कर देने, कार्बन है हो, ये साफ नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि वो जड़ी ने ठंडो रखे है। सब केमिकल है, यो हड़े ने गरम। सो गाइस, इसे ये केमिकल है, ठीक है, एक तरह का जो इसको क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, अल्लाह। बाकी ये इसे ठंडा रखता है, और ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये चीज़ बहुत ही खास चीज़ है भैया। ये 5.5 हज़ार के, हाँ 5.5 हज़ार समथिंग में मैंने स्पेशल डलवाई है। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये बैटरी फुल चार्ज, इसे इसके अंदर जो है जो 40 सेल लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो सेल इसके अंदर लगे हुए हैं, अब हम क्या गाड़ी चलाते हैं 100% चार्जिंग करते हैं, उसके बाद हमने मान लो 4-5-12 किलोमीटर जाके आए, तो एक सेल दो सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे अपने, बाकी नीचे के सेल जो रहते हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते। फिर हम आके घर पर आके फिर चार्जिंग लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो नीचे के सेल क्या है, पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, और ऊपर ऊपर के सेल जो रहते हैं वो लोड ले लेके वो ख़त्म हो जाते हैं, वो जल्दी ख़राब होते हैं, और नीचे के सेल लोड पड़ता ही नहीं है तो वो यूज़ में आते ही नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो जैसे अपने ऊपर है, अगर अपना किसी एक पेयर का यूज़ ना करें तो एक पेयर में लखमा आ जाएगा, और एक पेयर का यूज़ करेंगे तो वो चलता रहेगा। उसी तरह से ये बैटरी भी है, तो स्पेशली मैंने फिर इसलिए इसमें ये डलवाया मैंने इसमें 5,000 का ये मशीन। ये क्या करती है, इसका काम यही है कि ये नीचे से लगा के ऊपर तक के सभी सेलों को एक साथ करंट खींचती है, और सारे सेलों का मैनेजमेंट करती है बराबर लेवल। चलिए, सो वापस आ जाओ गाइस। देखिए, ये हमने इसकी स्क्रू जो है वो टाइट कर लिए, अब ये देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपकी बैटरी में भी दिक्कत आ रही है तो आप ये करवा लीजिएगा सही। अब हमने इस मशीन के बारे में तो जान ही लिया कि ये हमारे क्या यूज़ आती है, प्लस इसके साथ में ये आप लोग देख सकते हैं ये केमिकल,
अब इसे क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं है हालांकि। बाकी ये चीज़ क्या है कि बैटरी जब चार्ज होती है, जैसे गर्मी रहती है तब बैटरी ज़्यादा गर्म हो जाती है, जैसे फूट जाती है ना, लोग बोलते हैं कि बैटरी फूट जाती है यार, गाड़ी गर्म होती है बैटरी में आग लग जाती है। तो ये केमिकल जो है ये फॉर्मूला इसी के काम आता है, ये इसको ठंडी रखता है। अब जो बैटरी जब गर्म होगी तो ये बिल्कुल पानी जैसे पिघल जाएगा, अभी जैसे जैसे पत्थर जैसे हो रहा है बिल्कुल। ये देखिए आप, ये कंकर एक तरह से, ये बिल्कुल टाइट है। जब ये गर्म होती है बैटरी, जब चार्ज होती है और जब गर्मी में चलाते हैं अपन, तब ये बैटरी जो रहता है ये पानी जैसे पिघलता है और फिर वापस से पत्थर जैसा बन जाता है। तो ये क्या मैनेजमेंट करता है, बैटरी को गर्म नहीं होने देता ज़्यादा। और बाकी ये जो बैटरी के सारे सिस्टम है, सब चीज़ें निकल गई है बट ठीक है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। बट पावर बहुत वाल्टेज की बैटरी, ये देखिए आप 2021 7 10 का है इसका बैटरी जो मैनेजमेंट, शायद इसी जो बैटरी बनाई गई थी ये 2000, ये देखिए साल डला हुआ है और तारीख डली हुई है, ठीक है, मतलब 21 आज हो गई है 2024, चार साल समथिंग हो गए, 21 से ना 21 ख़त्म हो चुका है, 21 22 23 24, चार साल समथिंग हो चुके हैं इस बैटरी को। और आज भी इसमें रिस्पांस जो बैटरी का है वो मैक्सिमम अच्छा बैटरी पिकअप रिस्पांस है। दूसरी बैटरी का अगर हम देखने जाते हैं तो वो मैक्सिमम 2 साल के अंदर ही ठस ख़त्म हो जाती है। बाकी एकमात्र इस कंपनी की बैटरी जो है वो लॉन्ग लाइफ सर्विस निकाल रही है मेरे मुकाबले में। खुद यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है कि इस बैटरी का बैटरी पिकअप जो है बहुत प्यारा है। और इसमें सर्विस में अभी तक मैंने इसमें सिर्फ दो बार मैक्सिमम इसको मैंने बैटरी पिक जो है वो डाउन हो गई थी तो सिर्फ 2 बार उसको चढ़वाया था, जो कि उसके कोई चार्जेस नहीं रहता है। कंपनी वाले जो रहते हैं वो फ्री में उसको बैलेंसिंग बोलते हैं, उसको बैलेंसिंग करके दे देते हैं आपको। अगर आपकी बैटरी कम बैटरी पिकअप निकाल रही है तो आप बैलेंसिंग करा लो तो सब चीज़ें वापस से वही आपका कंपनी बोलती है 120 किलोमीटर। बाकी अभी की हालत में गाड़ी जो है 100 किलोमीटर निकालती है, नई जब ली थी मैंने तो 100 किलोमीटर मैक्सिमम निकाल रही थी। और आज 4 साल बाद भी इस बैटरी का बैटरी पिकअप माने तो 80 से 90 किलोमीटर रेगुलर निकालती है ये बैटरी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह की कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं उसके पहले आप कॉल करके सारी जानकारी मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है और बहुत सारी कंपनीज के साथ मेरा टाइप भी है, मुझे पता है कि कौन सी बैटरी कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट रहेगी। क्योंकि तो चलिए अब एक बार आपको गाड़ी भी बता देता हूँ। चलिए ये हमारे पास जो गाड़ी है वो ये रुद्रा कंपनी की गाड़ी है, बिल्कुल पुराने ज़माने की इसे गोल मो वाली गाड़ी दिखती है। ये हमारी गाड़ी है और यहाँ पर जो है बैटरी लग जाती है, ये इसकी MCV, अगर इसको इस तरह से बड़ा इधर कर देंगे तो गाड़ी बैटरी जो है करंट इस गाड़ी के अंदर चला जाएगा, और इसको बंद कर देते हैं तो करंट रुक जाएगा। गाड़ी को चलाना है तो इसे ऑन कर देना है, और गाड़ी को डायरेक्ट आप चार्ज 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो आप गाड़ी ढक्कन खोल के बैटरी पर डायरेक्ट ये जो केबल है ये इस बैटरी के अंदर लगती है, और जो वो आप केबल देख रहे हैं ये चार्जर है, ठीक है, और ये चार्जर की केबल, इसको लगा के भी आप डायरेक्ट बैटरी के अंदर चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा जो एक प्लग देते हैं ये यहाँ पर गाड़ी में, ठीक है, इस प्लग से भी आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं गाड़ी को। और ये इसकी गाड़ी का लुक मीटर, और यहाँ पर आ जाते हैं इसके गियर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और सबसे बड़ी बात इसमें पार्किंग मोड बहुत अच्छा दिया है, जब आप गाड़ी ऑन करते हैं चालू कर देते हैं तो दूसरी गाड़ियों में क्या डायरेक्ट आप जैसे रेस अगर खींची तो गाड़ी आगे चल जाती है, गिर जाती है। तो कंपनी ने ये चीज़ बहुत अच्छी सोच समझ के इसको बनाई है कि इसके अंदर आप डायरेक्ट अगर रेस चालू करके गाड़ी की चाबी अगर चालू करते हैं और रेस खींचते हैं तो आगे नहीं जाएगी, जब तक आप पार्किंग मोड से हटाएंगे नहीं। अब पार्किंग मोड हटाने के भी 2 ऑप्शन है यहाँ पर,
एक तो यहाँ से आप इस बटन को पार्किंग मोड वाला ये जो बटन है, ठीक है, इसे दबा कर भी हटा सकते हैं, प्लस क्लच, क्लच एक बार दबा के छोड़ेंगे तभी पार्किंग मोड हट जाएगा। और यहाँ पर ये तो बटन आपको पता ही है, इसको लाइट का, ये ऑन ऑफ का, ठीक है, बाकी इसकी ऑन लाइट ऊपर से, ये पिप पिप और ये इंडिकेटर, और वहाँ पर चाबी का इस्तेमाल, और बाकी ये गाड़ी पैसा वसूल गाड़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई समस्या देखने को नहीं मिली ज़्यादा इसके अंदर। लुक वाइज अच्छी है, बढ़िया फैसिलिटी है, हालांकि साल भर हो गया, इसके अंदर मैंने दो बार टायर चेंज करवा रखे हैं, क्योंकि टायर घिस जाते हैं तो हर गाड़ी में चेंज कराना ही पड़ते हैं। और इसकी जो सर्विसिंग है वो 750 रुपये में पूरी गाड़ी सर्विसिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की आप साल दो साल में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाड़ी सबसे बेस्ट लुक वाइज गाड़ी यही है अभी तक की। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ओके बाय, टेक केयर।